पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री कुंज बिहारी महिला मंडल के तत्वाधान में सनाई मंडप में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास ब्रजेश कृष्ण गोस्वामी ने कहा, वृंदावन धाम चिंतन धाम है। कथा व्यास ने कथा का आरंभ, मेरी राधा रानी सरकार सब पे कृपा रखियो, मनुष्य को समृद्धि देती रहियो भजन से किया। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर बिहारी की कृपा होती है उसे किस्मत बिखेरने नहीं देती। अंत में महाराज ने, मेरी अर्जी है मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, सुनकर सभी को थिरकने के लिए विवश कर दिया। कथा में प्रमोद अग्रवाल, सतीश कुमार शर्मा, धर्मदास शर्मा, अशोक अरोड़ा, अशोक सिक्का आदि भक्त भारी संख्या में मौजूद रहे। बिहारी महिला मंडल के तत्वाधान में हम पांचवी बार श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान सप्ताह करा रहे हैं और जितने धर्म अनुरागी हैं मुरादाबाद शहर के, हम चाहते हैं सभी आए। ब्रजेश गोस्वामी जी वृंदावन से आए हैं, आप पांडु बिहारी मंदिर पुजारी हैं और शहन भोग का इन्हें अधिकार प्राप्त है। बहुत सुंदर कथा करते हैं और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि जितने ताप हैं दैहिक आध्यात्मिक, इन सब तापों को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही है, क्योंकि मानव जीवन में मिलन इसलिए है कि हम अपने कल्याण करके इससे कल हमें अपने कार्य के लिए हमें जरूरी है कि हम भाव सागर से पार उतरें और भागवत ही हमें भव सागर से आकर्षित लगेंगे। रोज प्रसाद होता है, कथा का समय 3 बजे से है, व्यासपीठ पर आसीन हो जाते हैं महाराज जी ठीक 3 बजे। तो आप सभी मुरादाबाद के जितने निवासी हैं लाभ उठाएं, ज़्यादा